thank you very much for staying with us this afternoon. We begin our broadcast with breaking news that's coming in. Nitari serial killings accused Muninder Singh Pandey walks out of jail. Noida's Nitari serial killings accused Muninder Singh was released from Luxor jail in Greater Noida today. The Allahabad High Court on Monday acquitted the 65-year-old businessman and his domestic help, Surinder Kohli, in the sensational 2006 murder cases after noting that the prosecution had failed to prove guilt beyond reasonable doubt and that the investigation was botched up. So that's the big news that's coming in, that Muninder Singh has walked out of jail. I do understand my colleague Prerit is joining me. Prerit, good afternoon. Ye bahut badi khabar hai kyunki hame abhi bhi yaad hai jo hua tha 2005-2006 mein. Lekin hamare darshakon ke liye ye bataiye ki kaun se grounds pe Muninder ko release kiya gaya hai aaj? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से 2006 में जब ये घटना लोगों के सामने आई थी निठारी कांड, उसके बाद से न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी ये सनसनी मच चुकी थी कि आखिर कितनी बेरहमी से बच्चों के कत्ल किए गए थे। उसके बाद से तमाम एजेंसियां जो है जांच कर रही थी और तकरीबन 18 साल यानी कि लगभग 18 साल तक जो है मनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली जो उनके डोमेस्टिक हेल्पर है वो इस जेल के सफर में रहे और उसके बाद कोर्ट में जो है उन्हें बरी किया है सबूत के अभाव में। यानी कि मनिंदर सिंह पंडे जो है वो थोड़ी देर पहले ही लक्सर जेल से निकले थे अपने वकील के साथ और उसके बाद यहाँ से वो सीधे चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जब मनिंदर सिंह पंडेर यहाँ से निकल रहे थे तो उनके जो तमाम जो साथ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि शारीरिक तौर पर अस्वस्थ थे, उन्हें तमाम तरह की वो बीमारियों के शिकंजे में भी है। यानी कि अस्वस्थ तौर पर मनिंदर सिंह पंडेर यहाँ से निकले से और वो सीधे चंडीगढ़ जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से 2006 में जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद से कहीं ना कहीं सनसनी मचाने वाली ये घटना थी। हालांकि सुरेंद्र कोहली को भी इस मामले पर जो है सबूत के अभाव में उसे भी बरी की बात कही गई थी लेकिन सुरेंद्र कोहली के ऊपर 2 केसेस और लागू है जिसके तहत उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इस वजह से सुरेंद्र कोहली जो है वो फिलहाल नहीं निकला है जेल से लेकिन मनिंदर सिंह पंडेर जो है वो जेल से निकल करके चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं।